राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर बेदी बंधुओं में से बड़े नरेश बेदी, जो कि एक जाने माने वाइल्ड लाइफ सिनेमाटोग्राफर और वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। नरेश बेदी, बेदी ब्रदर्स नाम से मशहूर बेदी भाइयों में बड़े नरेश बेदी का जन्म 10 सितंबर 1947 को हरिद्वार में हुआ। नरेश बेदी के पिता रामेश बेदी एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और लेखक थे और आयुर्वेद विज्ञान के क्षेत्र में गहरी पैठ रखते थे। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षित नरेंद्र बेदी ने अपने पिता के प्रोत्साहन से वाइल्ड लाइफ और फोटोग्राफी में रुचि लेना शुरू की और जल्द ही पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट से मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में डिप्लोमा किया, जहां से वो गोल्ड मेडलिस्ट होकर निकले। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के रूप में नरेश बेदी देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। करीब 60 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में अभ्यासरत रहते हुए नरेश बेदी ने पर्यावरण और वन्य जीवों की अपार सेवा की है। उनके प्रयासों से पर्यावरणीय संकटों की ओर योजनाकारों का ध्यान गया, जिसके परिणाम स्वरूप अस्तित्व का संकट झेल रहे जीवों को बचाया जा सका और उनका दस्तावेजी रिकॉर्ड रखा जा सका। नरेश बेदी को उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 1984 में घड़ियालों पर बनाई अपनी फिल्म के लिए नरेश बेदी को वाइल्ड स्क्रीन पांडा अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जो किसी भी एशियाई फिल्मकार को पहली बार मिलने वाला पुरस्कार था और जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अपनी लगन और वन्य जीवों के प्रति जिज्ञासा के कारण नरेश बेदी बड़े से बड़ा जोखिम लेने से कभी पीछे नहीं हटे और अपने पिता की प्रेरणाएं उन्हें आज भी सक्रिय रखती हैं, जहां वो अपने छोटे भाई राजेश बेदी के साथ अनजानी अनिश्चित और जोखिम भरी यात्राओं पर निकल पड़ते हैं ताकि देश की विविधता भरी जैव विशिष्टताओं को संजोया जा सके। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। हमको बताइए कि शायद हरिद्वार में आपका जन्म हुआ और आपके पिता रामेश बेदी खुद एक बहुत ही जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और आयुर्वेद के विशेषज्ञ रहे। ये भी हो सकता था कि परिवार में पिता का एक प्रोफेशन है तो बेटा कोई दूसरा प्रोफेशन चुन लेता, लेकिन आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना? मैं ये कहूँगा कि मैंने नहीं चुना, ये मेरी पिताजी की सोच थी। अब वो भी इस तरीके से कहूँगा क्योंकि उनकी फोर्स साइटेडनेस कहूँगा, क्योंकि हम लोगों को जो बच्चों को उन्होंने इन्वॉल्व किया शुरू से ही, एक छोटा कैमरा ले दिया कि जो उनके आर्टिकल्स थे या बुक्स थी उसको इलस्ट्रेट करने के लिए कुछ पिक्चर्स ले लिए, ये प्लांट्स का, ये मेडिसिनल वैल्यूज की भी, या मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, फिर कुछ एनिमल पे बहुत लिखते थे, उनके सारे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड सारे राइटिंग थी। तो उसको देखते हुए उनको लगा कि एक बहुत वैक्यूम है कि जो हमारी इतनी बड़ी वाइल्ड लाइफ की इतना रिचनेस है उस पर कुछ काम नहीं हो रहा, कोई फोटोग्राफी नहीं है, जब फोटोग्राफ देखने जाओ तो फोटोग्राफ नहीं है, फिल्म है तो फिल्म नहीं है। तो आप 1960s की बात कर रहे हैं, तो एज अर्ली एज दैट उनके दिमाग में ये आया कि भाई तुम इस पर क्यों नहीं काम करते कुछ, तो पढ़ लिख के इनके ऊपर फिल्में बनाओ, इनकी कुछ फोटोग्राफी करो। तो ये उनका इंस्पिरेशन था
इतना ही नहीं बल्कि जो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के फर्स्ट बैच के कुछ लड़के दिल्ली में थे, एक मिस्टर परूलकर थे, एक मिस्टर पटेल थे, तो उनके पास जाके मेरे को ले जाके उनसे बातचीत कराई कि भाई इस लड़के को मैं सोचता हूँ वहाँ भेज दूँ, भेजूँ नहीं भेजूँ, तो सब ने एक ही बात कही कि अगर इनको शौक है तो ज़रूर भेजिए। तो दिस इज़ मेरे ख्याल जो चॉइस थी वो हमारे पिताजी ने हमारे लिए सोच के रखी थी और आज उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है। आज उसके लिए उनकी जो, मैं ये कहूँगा कि उनकी जो लेगेसी थी या उनकी जो सोच थी, हम उसको लेके आगे चल रहे हैं और आज इतना काम कर पाए हैं। खुद आप लोग हरिद्वार से कब दिल्ली आए होंगे? हम लोग आए थे 1960s में, 1960 में। वो भी ये हुआ कि फादर को यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बुला लिया उन्होंने एज ए एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, कि उनकी स्पेशलाइजेशन थी मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, कि उन्होंने भूटान का कई जगह का सर्वे किया था मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर, और सो मच सो कि उनके कुछ हर्बेरियम मशहूर, क्यू हर्बेरियम है जो यूके का सबसे मशहूर हर्बेरियम है, वहाँ भी रखे हुए, प्रिजर्व किए। तो फिर आप लोग जब दिल्ली आ गए अपने पिता के ट्रांसफ़र की वजह से, तो पढ़ाई आपने क्या की यहाँ पे? बहुत पढ़ाई में मैं ये कहूँगा कि उस समय कोई ऐसी बड़ी स्कूलिंग में नहीं की हमने, क्योंकि वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते थे हम, बिल्कुल वो गुरुकुल पद्धति से कहूँगा मैं कि सवेरे उठना, हवन करना, वहीं हॉस्टल में रहना, वहीं का खान पीन बड़ा सादा सरल, तो वो एक बिल्कुल गुरुकुल ब्रह्मचारियों वाली एक हमारी शैली थी जिसमें बड़े हुए थे। यहाँ आए तो बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ के जो थे उसमें पढ़ाई शुरू करी, और ये मानिए कि पढ़ते ही पढ़ते मैंने जंप करके इंटरमीडिएट में जैसे ही एग्ज़ाम दिए, वहीं उसी समय मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ किस्मत कही है कि वहाँ पे बुलावा आ गया, तो मैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट चला गया। तो अगर आप वो कहें कि जी मेरी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, वो पढ़ाई कहाँ से हुई, वो तो मेरी फिल्म इंस्टीट्यूट में जो कुछ सीखा, जो टेक्निकल सीखा या जो एक्सपीरियंस करके सीखा या अपने आप पढ़ के जो बनाया है, वही कहूँगा मैं। और जब तक आपका इंटरमीडिएट का ज़माना चल रहा था, तब तक भी अपने पिता के लिए आप कुछ कुछ ये काम बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल, थे? बिल्कुल करते रहे। वो तो वो ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कभी कोई ओल्ड पिक्चर देखता हूँ मैं, कॉर्बेट पार्क हमारा रेगुलर जाना होता था यहाँ से। आजकल तो कॉर्बेट पार्क इज़ ए बिग थिंग जी, आजकल तो फैशन, एक फैशन नेबल ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जी, आज पता लगा जी हम जा रहे हैं वो टाइग्रस ने वहाँ बच्चे देख के साथ देख रही, पहले कॉर्बेट कौन जाता था, सड़कें तक तो थी नहीं, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं थी। मेरे को याद है हम लोग यहाँ से बस में बैठ के रामनगर जाते थे, या रामनगर से आगे ट्रकों में जो जंगल में ट्रक चलते थे उस पर बैठ के वो हमें वहाँ ले जाते थे, पर रहते वहाँ पे हम थे, गर्मियाँ वहाँ काफ़ी समय लगाते थे, और फिर तब उस समय जंगल में ट्रैकिंग अलाउड थी, तो आज एक हाथियों के झुंड के पीछे जा रहे हैं, उसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो एक छोटा कैमरा ले लिया, वो बोलेक्स कैमरा जिसमें कुछ फिल्म नहीं, वो फादर हमारे ट्राईपोड लेके पीछे पीछे, वो आगे चल रहे हैं उनके पीछे पीछे चल रहे, एक ढलान पे बैठे, मेरे को अच्छी तरह याद है उसकी पिक्चर भी, एक दांत वाला हाथी सामने खड़ा है बिल्कुल, और हम उसकी दिनचर्या पूरी रिकॉर्ड कर रहे थे स्टिल्स में, तो हम लोग ऐसी हवा का रुख देख के ढलान लेके वहाँ बैठ गए, पापा जी अपना किताब में नोट लिख रहे हैं, वो सामने हाथी पेड़ के नीचे खड़ा, पता नहीं क्या हुआ, उधर फॉरेस्ट गार्ड हमारे साथ था, पीछे से हाथी आ गए, तो हम लोग वी वर ट्रैप्ड कि अब क्या जाएं, तो किधर जाएं, ऐसे अंडुलेटिंग एरिया भाग भी नहीं सकते,
तो जैसे ही उन्होंने चिंगाड़ा या कुछ शोर मचाया और वो आगे बढ़ना शुरू हुए, इसी बीच में हमने भागना शुरू किया। इसी बीच में एक मोरनी थी जो अंडों पे शायद बैठी थी, वो फड़फड़ा के जो एकदम उठी, उससे वो हाथी को चौंका गए और वो हमें समय मिल गया कि वहाँ से हम बाहर भाग सके सेफ्टी के लिए। तो पापा जी तो हमें जैसे पकड़ते हैं उंगली पकड़ पकड़ के, एक एक चीज़ से उन्होंने उसके ऊपर बड़े अच्छे उन्होंने आर्टिकल लिखा था पूरी इंसिडेंट के ऊपर। तो शौक था उनको, अब वो शौक एक एक चीज का उन्होंने बताना, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मावतों के साथ घंटों बैठेंगे वो हाथियों के बारे में बात करने के लिए, उनकी जानकारी लेने के लिए, या शेरों के बारे में। शेर तब दिखते नहीं थे कॉर्बेट में। कितनी दफा तो हम मचान पे रातों बैठे वहां पर शेर नजर नहीं आया। बल्कि तब तो ये टाइम था कि जो लोग टूरिस्ट कभी आ भी जाते थे, जो बहुत कम लोग आते थे, उनको वो फॉरेस्ट वाले सवेरे जाके वो कहीं पग माग दिखा दिए तो मजाक करते थे, कह रहे यार ये रात को जाके आप ठप्पे लगाए जाके शेर के पैरों के। पर बहुत मुश्किल था, बहुत शाय थे, क्योंकि बहुत हंटिंग होती रही, मतलब लीगल हंटिंग होती रही। तो वो टाइम डिफरेंट था जिसके जिससे गुजरे और हम लोग जिसमें हमने सीखा। और तब जब आपने एफटीआई से मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे वहाँ, ये सब करते हुए फिर आपका इरादा यही था कि आपको वाइल्ड लाइफ में ही जाना है? देखिए वाइल्ड लाइफ ऐसा मतलब उस समय ये तो था कि मैं एक जो फिल्म इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई थी, एक बिल्कुल टिपिकल, अभी भी मैं कहूँगा कि वो एक टिपिकल फोकस करके है फीचर फिल्म्स के लिए। सेट्स हैं बड़े बड़े, आपको लाइटिंग सिखाते हैं, आपको कैमरा मूवमेंट सिखाते हैं, ट्रॉली सिखाते हैं, सब कुछ रिहर्स होता है, यू वर्क विद एक्टर्स एक्ट्रेसेस। तो उसमें मेरे को ये लगा कि एज ए सिनेमेटोग्राफ पर का जो रोल है एक लिमिटेड रोल रह जाता है, वेयर एज इन डॉक्यूमेंट्रीज यू हैव ए मच मोर बिगर चैलेंज। आपका बड़ा चैलेंज है, आपकी उसमें कारीगरी है कि आप उसको कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, एंड हाउ यू टर्न अप इनटू ए फिल्म, एंड इफ द फिल्म इज सक्सेसफुल इट्स यू रिस्पॉन्सिबल, इट्स योर क्रेडिट, इट्स नॉट डायरेक्टर्स क्रेडिट। एक फिल्म सक्सेसफुल होती है पहले डायरेक्टर का नाम आता है, बाद में कैमरामैन का तो कहीं लिस्ट में नीचे आता है। तो ये सब दिमाग में मेरे वहाँ घूमता था। मैं इनफैक्ट पास होने के बाद जब आई गॉट बोथ गोल्ड एंड सिल्वर मेडल, तो एक फिल्म फीचर फिल्म भी ऑफर हुई मेरे को मराठी की, विच आई डिक्लाइंड। मैंने कहा नहीं, आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर जो अपने ये जो डॉक्यूमेंट्री साइड है, विच वॉज ए बिग चैलेंज, बिग डिसीजन, पर ठीक था। तो आपने फिर फिल्म इंस्टीट्यूट कंप्लीट करने के बाद फुल फ्लेजेड आप वाइल्ड लाइफ के काम में उतर गए? नहीं, इतना आसान नहीं था वो जो जर्नी थी, इतनी आसान नहीं थी। उसके बाद काम कहाँ काम, इतना फिल्म बनाना, वाइल्ड लाइफ की फिल्म इज नॉट इजी। तो दिल्ली आके द ओनली आपके काम के लिए जो जगह थी वो नया नया टेलीविजन आया था, नया नया दूरदर्शन शुरू हुआ था, तो हमने दूरदर्शन के लिए काम करना शुरू किया एज ए स्टिंगर। वो 3 रुपये फुट या 4 रुपये फुट वाला असाइनमेंट बेस पे कहीं भेज दिया, वहाँ भेज दिया, ये कर लिया। मैं अक्सर कोट किया करता हूँ कि एक दिन मेरे को डायरेक्टर साहब से मलिक हुआ करते थे, उन्होंने बुलाया, क्या करो जॉनी, जॉनी जॉनी बोलते थे वो, कहने जिसको भी आया जॉनी क्या करो, अरे तुमने कल कानपुर जाना है। मैंने कहा क्यों जी कानपुर क्यों जाना, कहना वो क्रिकेट टेस्ट शुरू हो रहा है ना उसको कवर करना तुमने। ये पैलाट बोलेक्स लेके 100 फुट की फिल्म जो 2 मिनट चलती है,
कानपुर पहुंच गए। अब कानपुर में ऊपर खड़े हुए बाप ने क्या दिखता है क्या नहीं दिखता, आई कवर्ड दैट, बट दैट वॉज ए लेसन। तो ऐसे बहुत चीज़ें की, बहुत हार्ड न्यूज़ का बहुत किया, पर हर समय यही सोच थी कि हाउ वी ब्रेक अवे फ्रॉम इट और कैसे हम अपना वेंचर शुरू कर सकें। इस जद्दोजहद में राजेश वॉज ऑल्सो वर्किंग, माई यंगर ब्रदर वॉज ऑल्सो वर्किंग विद टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कर रहे थे। उसको एक असाइनमेंट मिली नेशनल ज्योग्राफिक से ऑन द क्रोकोडिलियन, दे वर डूइंग ए बिग फीचर ऑन क्रोकोडिलियंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें दे वॉन्टेड पिक्चर ऑफ घड़ियाल, और घड़ियाल की उस समय पिक्चर ही कहीं नहीं थी। तो ही वेंट ऑन असाइनमेंट, कहीं चंबल गया, कहीं यहाँ गया, वहाँ गया, विद ग्रेट डिफिकल्टी ही कुड गेट सम पिक्चर। पर आके कहने लगा, नरेश ये दिस इज अ सब्जेक्ट, हमारा हिंदुस्तान का जानवर है और कहीं नहीं मिलता है, कम से कम इस पर फिल्म बनाई जाओ, कुछ जानते नहीं लोग इसके बारे में। मैंने तो आइडिया तो बहुत अच्छा है पर बनेगी कैसे फिल्म, पर दैट वॉज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने उस पर काम शुरू किया, कहीं से कैमरा छोटा सा बोलेक्स, पहले तो उधार कोई यार दोस्त है जिन्होंने ओब्लाइज कर दिया, वो लेके जाने लग गए, फिर कुछ फिल्म खरीदनी शुरू करी, धीरे धीरे करके उस पर कुछ फुटेज इकट्ठा करना शुरू किया। एंड आप ये मान लीजिए, आई ट्राइड माई बेस्ट कि जी कहीं से कुछ फंडिंग मिल जाए उसके लिए। बीबीसी वालों से बात करी, अरे आप कैसे, हाउ कैन यू गेट दिस, कैन यू गेट दिस क्रोकोडाइल ईटिंग ए फिश, बिकॉज द फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। मैंने कहा नो, आई हैव डन एनफ रिसर्च, मेरे को मालूम है कि ये पॉसिबल है। Nobody was convinced. And that too, being an Indian, तो ये तो possible ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ उस समय with all the restrictions of import, high duties on equipment, I mean it was impossible. पर उसको सबको देखते हुए ये तो हमने कहा नहीं, फिल्म बनानी है। वो एक दिमाग में आ गया। तो वी स्टार्टेड विद कॉर्बेट, वी वर वेरी फैमिलियर विद कॉर्बेट। तो कॉर्बेट में भी घड़ियाल हैं रामगंगा रिवर में, कुछ तो वहाँ शूट किया। उसकी बड़ी लंबी कहानी है वो भी, किस तरीके से हम सवेरे जाके हाइट में बैठ जाते थे, सवेरे सवेरे ठंडी रामगंगा रिवर फ्रीजिंग कोल्ड में जाके अपना हाइट में पोजिशन ले लेते थे, राजेश इस पार मैं उस पार, जहाँ उनका बास्किंग का था। We got some very interesting behavior. शुरुआत अच्छी थी, challenges भी थे, खतरे भी थे। एक दिन ऊपर मेरे हाइट के ऊपर शेर चिल्ला रहा था, बिल्कुल पास में पहाड़ी के ऊपर थी हाइट मेरी, वहाँ से उनका रास्ता था जाने का। तो राजेश अपनी हाइट में से मेरे को इशारा करता, ऊपर देखते रहो भाई। मैंने कहा मैं अगर आ भी जाएगा शेर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा मेरे पास तो स्टैंड है, यही लेके बैठ जाता हूँ हाइट के सामने, उधर मुँह करके अगर आएगा तो नीचे इधर कूद नहीं सकता, भाग नहीं सकता, नहीं तो मैं तो एज पे था रिवर का इसके। मैंने कहा नीचे कूदूंगा तो मगर मच्छर वो खा जाएंगे। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, मैं सिटिंग फार में, राजेश वाज सिटिंग इन द हाई नीचे रामगंगा बेड में, 1 बजे दिन के एक टस्कर चला आया सामने से, एंड दैट टू इन मस्त, फुल मस्त। आई वेंट टू शाउट कि भागो भागो भागो, राजेश पे दी वो पत्थरों में से कैसे भाग सकता है, साथ में इक्विपमेंट उसका। समा वो भागा, वो हाथी पीछे उसके चलता मस्त में, उसको दिखा कुछ मूवमेंट तो वो भी चल पड़ा। अब ये मानिए कि वो जो हिल तक जहाँ हम उसकी बैठे थे वहाँ तक वो मुश्किल से पहुँचा और हाथी भी साथ साथ उसके पहुँचे। तो ये सब चैलेंजेस थे। चंबल में हमने कैंप किया, चंबल से शुरुआत की थी फिल्म की हमने। अब चंबल में क्या थी वो मशहूर डकॉयट, फूलन देवी वॉज वेरी एक्टिव उस समय। बल्कि हमने जहाँ पे कैंप किया हुआ था, एक दिन वो वहाँ के SHO साहब आए, कहना आप लोगों का दिमाग ख़राब तो नहीं है, यहाँ कैंप में यहाँ पे नदी के किनारे पड़े हुए हो। हमने कहा जी वो फिल्म करना ही, वो कहना आप कम से कम पुलिस वालों को इन्फॉर्म तो करो कि आप यहाँ पे आए हुए हो फिल्म करने के लिए।
मतलब जिंदगी के आप जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी मेमोरीज हैं उस फिल्म के साथ जो भूल नहीं सकता आदमी। एक दिन शाम को हम कैंप शिफ्ट कर रहे थे, पीछे से जा यो रुक जाओ, अरे हमारे साथी ने बोला भाग लो अंधेरे में, हम भाग लिए, कहीं मक्खी आ गई तो ऐसे उड़ी जैसे पता नहीं कोई क्या हो गया, सारे रोंगटे खड़े हो गए डर के मारे। आधा किलोमीटर भागने के बाद अंधेरे में रुकते हैं, आवाज़ सुनते राजेश, अरे यार क्या बात कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं वो, क्योंकि वी वर मूविंग अप स्ट्रीम विद ऑल आर इक्विपमेंट इन द बोट एंड दे वॉन्टेड बोट टू सर्च कि जितने सिल्वर बॉक्सेस हैं पता नहीं क्या है इसके अंदर, क्या माल पड़ा। मैंने कहा अगर उनको हम दिख जाते या हम उनके हाथ लग जाते, इट टर्न आउट टू बी लोकल गुंडा, लोकल डकॉइट्स, डंडे वंडे लिए हुए बिल्कुल, दे वर ऑल प्रिपेयर्ड टू लूट। वो तो किस्मत अच्छी थी, जो होशियार थे लोग, वो जो मछुआरे थे हमारे, उन्होंने बोट पहले ही पानी के अंदर कर दी उनकी आवाज़ सुनते ही। फिर हम सुने यार क्या बात हो रही है, देखो कहीं बुला तो नहीं रहे, अब बुलाएं तो यार क्या ना, या तो तू जा या मैं जाऊँगा, दोनों में से एक जाए, दोनों तो जाए नहीं, कि दोनों को अगर वो पकड़ लें तो उनका भी इंतजार करते हैं, बैठ के थोड़ी देर इंतजार करी, फिर दम लगा कुछ आवाज़ नहीं आ रही, फिर हमने आवाज़ दी तो कहने लगे नहीं नहीं चलो आ जाओ, आ रहे हम, तुम चलो आगे आगे धीरे धीरे। अपेरेंटली दे मूव्ड बैक, जो आए थे लोग लुटेरे चले गए और हम लोग बच के निकल के आए वहाँ से। तो बिहेवियर पकड़ना, और चंबल में हमने, बिकॉज चंबल आर द मेन एरिया वेयर दे ब्रीड, और किसी भी फिल्म के लिए द ब्रीडिंग सीक्वेंस इज ए की सीक्वेंस, कोर्ट शेप, मेटिंग, बच्चे, बच्चों की टेक अपब्रिंगिंग या जो भी है। तो मैंने कहा जब तक ये की सीक्वेंस हमारे हाथ नहीं लगेगा तब तक हमारी फिल्म अधूरी है, बन नहीं सकती। उसके लिए हमने 1.5 किलोमीटर से गांव से लाइट लाए चंबल के किनारे तक, उनको डिमर्स के ऊपर रखा, रोज रात को लाइट ऑन करें हम टू मेक दीज एनिमल यूज टू, फिर लाइट नहीं आ रही। जिस दिन एक्चुअल डिगिंग का टाइम आया फीमेल का, आप मानेंगे नहीं, किस्मत आपके साथ होनी चाहिए ना, हर चीज़ बिना किस्मत के भी नहीं होती। तूफान आना शुरू हो गया, रेत उड़नी शुरू हो गई, बारिश आनी शुरू हो गई। अब हम चंबल के किनारे रेत की हाइट में बैठ के बना के चिपके बैठे हुए, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सिट, तो आई हैड टू रश बैक टू द नियरेस्ट विलेज जहाँ पे हमारा बेस था। नींद तो आनी नहीं थी, देखते रहे कब थोड़ी सी लाइट हो तो भागे, जैसे बारिश रुकी तो सवेरे की पहली लाइट में पहुंचे तो देखा फीमेल ने नेस्ट खोल लिया और बच्चे जो है उसके साथ किनारे पड़े। एक साल गया, वी फिल्म वॉट एवर वी कुड बट वी लॉस्ट हो लिया। इक्विपमेंट कि मैंने आपको बताई, मतलब ट्राईपॉड जैसी बेसिक चीज आप खरीद नहीं सकते थे, ना बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे, ना लेंस कर सकते, बिकॉज ऑफ द हैवी ड्यूटीज एंड ऑल अदर प्रॉब्लम। पर करते कराते फिर अंडर वाटर, वो भी हमने खुद ही डिजाइन किया उसका, एक हाउसिंग करके सम हाउ विद सम रिमोट वी टर्न द कैमराज टू गॉट फ्यू शॉट्स इनटू द फिल्म। इट टुक अस ऑलमोस्ट 5 years टू मेक दैट फिल्म। फिर उसकी एडिटिंग की बात थी, आई हैड टू एडिट इट, कोई वो लकीली वो जर्मन्स टेलीविजन दे एग्रीड कि आप हमारे यहाँ कर लीजिए, वो एक लंबी कहानी, एक और ऑफ शूट आ जाएगा, बट वेरी इंटरेस्टिंग। वर्स्ट टाइम आई हैड फॉर एडिटिंग ए फिल्म इन जर्मनी, कोई बात नहीं। फिर हम यूके आ गए, यूके में आके उस फिल्म को कंप्लीट किया, जैसे फिल्म कंप्लीट हुई देयर वाज नो प्रॉब्लम, चैनल 4 हैड कम, कहने लगे हम दिखाएंगे आपकी फिल्म, ये पहली फिल्म। सो दैट वॉज ए ब्रेकिंग पॉइंट, आपने फिल्म दिखाई, बहुत पसंद की गई, और फाइनली 84 में इट वन द पांडा अवार्ड, विच इज अब लोग आजकल उसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से कह देते हैं। पर
मैं ये कहूँगा कि ऑल दिस हार्डशिप, ऑल दिस ट्रेनिंग एट द फिल्म इंस्टीट्यूट, ऑल फादर की गाइडेंस राइट डायरेक्शन में टाइम टू टाइम, मैंने रात को वहाँ पे प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ अवार्ड सेरेमनी में, आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट वाइल्ड लाइफ कैमरा मैन ऑफ द ईयर, विच इज़ अ मेन अवार्ड्स. मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं थी, एज ए कैमरा मैन, एज ए सिनेमाटोग्राफर, कहाँ से अगर उस लेवल पे आज मेरी रिकग्निशन हो रही है या मेरी फिल्म की रिकग्निशन हो रही है इन वर्ल्ड मीडिया, एंड बीइंग ए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ फिल्म, आई थिंक इट वाज ए बिग क्रेडिट, नॉट फॉर मेरे लिए तो था ही, मेरे ख्याल देश के लिए भी बड़ी भारी बात थी. तो वो एक कहूँगा कि एक बहुत अच्छी हमारी शुरुआत थी, मुश्किल शुरुआत थी, पर उसके बाद आगे रास्ते खुल गए. अच्छा, इसमें बीच में जो आपका बर्नार्ड हास्त्रा या रिचर्ड अटेनबरो या डेविड लीन के साथ जो छोटे छोटे एसोसिएशंस हैं, उसके कुछ तजुर्बे बताइए. बर्नार्ड हास्त्रा का मेरे ख्याल में मैं तब वॉज ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट या उसके बाद की बात है. तुरंत बर्नार्ड हास्त्रा के साथ जो काम किया, बहुत ही मज़ेदार, मतलब इतने सज्जन आदमी मैं कहूँगा कि उसमें वो इतने बड़े डायरेक्टर वाली कोई बो नहीं थी. और राजेश की मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के लोकेशन देखने जाना है कि कहाँ पे ओल्ड दिल्ली में क्या करना है, ही वॉज मोर देन हैप्पी. कहना नहीं नहीं मैं आपके मोटरसाइकिल पर चलूँगा. मैं हमारे पास मोटरसाइकिल है, उस पर ले जा सकते. एंड ही वुड स्केच आउट कि वॉट एग्जैक्टली ही नीड्स. अगर उसको सामने से बुलक कार्ड्स आती नजर आ रही है, हाउ इट वुड रिवील बिहाइंड, विच जो मेरी ट्रेनिंग थी आज, और मेरे को भी बड़े लॉन्ग लेंस यूज करने का शौक रहा है और अब भी है, विच वो मेरी सोच भी जो है वो रहती है. तो वो मैंने देखा काफ़ी सिमिलरिटी थी, जिन्होंने शॉर्ट का डिस्क्रिप्शन बनाया, विच आई कुड ग्रास्प इमीडिएटली. और वो मिले कैसे आपको? देखिए, फिल्म फेस्टिवल में मिले थे दिल्ली में. यहाँ पे दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल में मुलाकात हुई उनसे, और वो कहने लगे मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ. मैंने कहा जी मैं तो इसमें, मेरा तो बहुत शौक है इसमें, एप एंड सुपर एप में, एनिमल्स के ऊपर. तब वो जो उनका मशहूर था, ये जो चिंपांजीज हैं किस तरीके से टूल यूज़ करते हैं, आई थिंक वो तिनका गीला करके वो उसके जो चीटियों के भट में डालते हो, चीटियाँ निकलाती हो, यू करके खाते हैं. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट शोड दैट काइंड ऑफ ए बिहेवियर, एप एंड सुपर एप. तो मेरा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि बहुत लिमिटेड था, और दैट टू वाज ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो उस हिसाब से टू वर्क ऑन ए लार्जर फॉर्मेट फॉर ए इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर और पीपल लाइक बर्नार्ड हास्त्रा, आई थिंक वॉज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग. और रिचर्ड एनबरो, इनकी तो इस वॉज मच लेटर व्हेन ही वॉज मेकिंग गांधी. तो आई वॉज बीच में क्या हुआ कि दूरदर्शन का काम मैंने एक तरीके से कम कर दिया, ये कम हो गया. आई गॉट इन टू द BBC, और BBC में कोई गिनती नहीं कि कितने हमने उनकी हार्ड न्यूज़ और फीचर करे. मेनली आई वाज इंटरेस्टेड नॉट इन करंट न्यूज़, बेसिकली फीचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज. तो उसके थ्रू क्या हुआ कि आई वॉज इन्वॉल्व इन ए प्रोग्राम मेकिंग ऑफ गांधी, ए 50-minute फिल्म, तो विच वॉज ए लॉन्ग प्रोजेक्ट. तो उनके साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ. सो आई वॉज ऑन द सेट्स ऑफ गांधी. जब शूट करने के बाद मेरा वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो रिचर्ड कहने लगे कि आई लाइक यू, शुड वर्क फॉर मी. किस लिए? कहने के यू शूट ऑल द पब्लिसिटी मटीरियल फॉर मी. तो फिर इवन देन आई वॉज, ये प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद आई वॉज स्टिल ऑन द सेट्स वर्किंग ऑन वो फॉर देम, फॉर शूटिंग ऑल द पब्लिसिटी मटीरियल.
इट्स सो कोइंसिडेंस दैट रिचर्ड के साथ, रिचर्ड एटनबरो, सर रिचर्ड एटनबरो के साथ काम करने के सौभाग्य के साथ आई इवन वर्क विद डेविड एटनबरो. एक हमने फिल्म करी थी वाइल्ड डॉग्स के ऊपर, इनिशियल फिल्म्स में से, तो ही नरेटेड दैट फिल्म. तो कहते हैं यार ये तुम ये बताओ हाउ यू आर एबल टू फिल्म दीज शाई एनिमल्स बिकॉज दे डोंट नो फिल्म ऑन वाइल्ड डॉग्स एट दैट टाइम, द विस्लिंग हंटर्स which was shown on BBC and then was shown on the National Geographic. I was very impressed and I was very impressed by his knowledge and approach and the whole. एक जो है ना हमारे यहाँ लोगों में बहुत जल्दी ईगो आ जाती है कि बड़े आदमी हो गए जी, अरे एक कर लिया तो और तो हो गए. डाउन टू अर्थ बहुत ही. सो I would say very fortunate to work for those leading people, known people in the world. और डेविड लीन के बारे में बताइए. डेविड लीन के पास बहुत कम था मेरा, वो जो था ही वॉज मेकिंग ए फिल्म, सो आई वर्क ऑन द सेट्स फॉर अनदर मेकिंग ऑफ फिल्म. उनसे ज़्यादा आई डोंट रिमेम्बर मच अबाउट इट, बट आई हैड वर्क ऑन द सेट्स विद देम. इट्स मोर लाइक फीचर फिल्म वर्किंग एज ए सेकेंड यूनिट बेसिकली. आप देखेंगे नरेश जी के करीब करीब 50 साल आपको इस पेशे में गुजर चुके हैं और इसमें इंसानों की दुनिया के अलावा आपने जानवरों की दुनिया को ज़्यादा नज़दीक से देखा है. इंसानों की दुनिया में जो आपके तजुर्बे हैं और जानवरों की दुनिया में जो तजुर्बे हैं, अगर दोनों का मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कॉम्पेरेटिव डिस्क्रिप्शन, लेकिन जानवरों की दुनिया कई बार इंसानों की दुनिया से ज़्यादा ह्यूमन लगती है, इस पर इसमें आपका क्या नतीजा निकाला आप? नहीं है तो है, मेरे ख्याल हमें जो वाइल्ड लाइफ में देखने को मिलता है बहुत कुछ सीखने की बात है और बहुत लोग हम लोग सीखते भी हैं उनसे, ऐसी बात नहीं है. जो हाथियों की एक सोशल लाइफ है, एक बड़ी इनकी संगठित फैमिली लाइफ होती है, बच्चों के प्रति इनका जो रुख है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है, ऐसे हर एक जानवर के साथ. मैं तो ये जब भी काम करता हूँ अपने आप को इतना फॉर्चुनेट समझता हूँ कि साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट हैं ये लोग, जाते हैं जंगल में स्टडी करते हैं, कुछ दिन लगाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बायोनोकुलर से करते हैं, बैठते हैं, नोट्स लिखते हैं. एक हमारी जो स्टडी है बिल्कुल डिफरेंट है. हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वी आर लुकिंग थ्रू आर कैमराज ऑन ए वेरी बिग लेंस एंड वेरी बिग क्लोजअप. वी कैन इवन नोट उसकी जो छोटी छोटी डिटेल भी है ना, चाहे वो बिहेवियर की हैं, वो सब एक आपके सामने से गुजरती जाती हैं और उसको आपको लगता है कि इसको किस तरीके से हम कवर करें या प्रेजेंट कर सकें, जो कि और लोग शायद नहीं भी कर पाते होंगे. तो मतलब बहुत मजे की चीज़ है. जहाँ तक आप कंपैरिजन की बात करते हो, मैंने दूसरी फिल्म में भी करी है. मैंने कुछ काम, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ फीचर फिल्म्स के साथ एसोसिएशन रहा, ऐसी मेरी साधु पे फिल्में रही हैं, कोई 4 या 5 फिल्में रही हैं, 2 कुंभ मेला पे रही और 3 एक सीरीज बनाई थी टेकिंग साधु फ्रॉम डिफरेंट सेक्स. तो मैं समझता हूँ कि जैसे जानवरों को फिल्म करना मुश्किल है, मैं कहता हूँ साधुओं को भी कुंभ मेला में शूट करना उससे कम नहीं था. ये सेंसिटिविटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स यहाँ भी थे. पर जानवरों से आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं. एक हवा बना रखा है कि शेर शेर आ जाएगा, शेर मार देगा, शेर खा जाएगा, बच्चों को डरा देते हैं. आप जंगल में जाइए, शेर है, हाथी है,
आपको कभी कुछ नहीं कहेगा जब तक उसको डर नहीं होगा आपसे। इसमें मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगा छोटे छोटे से एक्सपीरियंस रहे जो मेरे। एक दफा हम टाइगर फिल्म के लिए अपनी बच्चों का चाह रहे थे कि यंग बच्चे, और मेरे मन में यह था कि एक शॉट होना चाहिए कि जो शेरनी जो है अपने बच्चों को ट्रांसफर करती है एक डेन से दूसरे डेन में ले जाती है। तो मेरे को फोन आया वहां से कहना से डायरेक्टर का कि भाई उधर टाइग्रेस हैज बीन स्पॉटेड जिसको आप फॉलो कर रहे थे, आप आना चाहें तो आ जाएं। तो वी इमीडिएटली रश्ड टू, और क्या हुआ कि दूसरे या तीसरे दिन जो बच्चे थे वो एक हमें हिल के ऊपर मिल गए। वहां पे हाथी से ट्रैक करना पड़ता और हाथी से ट्रैक तो कर लिया हमने, तो ऐसे छोटे छोटे बंडल ऑफ जैसे रुई के बंडल होते हैं वैसे वो पड़े हुए बिल्कुल, अभी चल भी नहीं पा रहे थे, ऐसे आंखें उनकी अभी शायद खुली थी। अब मैंने कहा भाई फिल्म कैसे करेंगे अब इसको, तो हमने एक स्पेशल एलिफेंट ट्राइपॉड डिज़ाइन किया था शूट करने के लिए, क्योंकि हाथी के ऊपर से आप फिल्म नहीं कर सकते क्योंकि हर समय हाथी हिलता रहता तो आपका जो शॉट कभी स्टडी नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या किया था हमने, एक ट्राइपॉड डिज़ाइन किया हाथी के हाइट का, तो हाथी से ले जाके उसके ऊपर शिफ्ट हो गए और उसके ऊपर बैठ के आप उस पर जब आप शिफ्ट हो गए उसके ऊपर आप उसमें बड़ा लेंस भी यूज़ कर सकते हैं, पेन भी कर सकते हैं वो सब। तो मैंने क्या किया, ट्राइपॉड रॉकी सा था लगा दिया, बैठ गया, दोनों हाथियों को मैंने कहा तुम थोड़ा पीछे चले जाओ डिस्टेंस में। कहना सर वो शेरनी आ गई ऊपर से तो क्या होगा आपका, मैंने कुछ देखते हैं अगर कुछ हुआ खतरा तो आ जाना यार एकदम। सो यू हैव टू हैव सम कॉन्फिडेंस ऑल्सो, ये नहीं कि जी आप एंड यू टेक कैलकुलेटेड रिस्क ऑल्सो। तो मैंने कहा इससे रिस्क लेते हैं थोड़ा सा देखते हैं क्या। मैं बैठ गया जस्ट वेटिंग देखा एक डेढ़ घंटे बाद टाइग्रेस आती है, और दूरी कितनी होगी जितनी मतलब 15 फुट भी नहीं, मतलब बिल्कुल नीचे एकदम मेरे सामने। सांस तो ऊपर नीचे होती है, ये नहीं कि डर के मारे इसलिए कि वो बच्चे उठा के ना चली जाए कहीं वो गुस्सा ना कर दे एकदम ही। मैं कोई नहीं, तो मैं भी बड़ा कूली बहुत पेशेंस के साथ मैंने कुछ मूवमेंट नहीं करी, मैं भी ऐसे बिल्कुल कैमरे पे हाथ रख के ऐसे करके उसकी तरफ देखता रहा बस कुछ नहीं। टेम्पटेशन बहुत थी कि कैमरा ऑन करूं, नहीं मैंने उसको सेटल डाउन होने दो पहले, उसको कॉन्फिडेंस आने दो कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, उसको हार्म करने नहीं आया हुआ। ये लुक्ड एक बच्चे को उसने मुंह में उठाया ऐसे करके, शी वाज लुकिंग एट मी जैसे कह रही हो नरेश बेदी जितनी फिल्म लेनी है ले लो अभी आपके मन में था ये शॉट ले लो। मैंने उसका क्लोजअप लिया, उसका ये लिया। उसके बाद उसके पता नहीं क्या मन में आया, उसने बच्चे को नीचे वहीं रख दिया, फिर उसने बच्चे को उठाया, फिर उसने इधर देखा, फिर इधर देखा, बच्चे का मुंह भी दिखा दिया, उधर भी कर दिया, फिर बच्चे को नीचे रख दिया उसने, तो फिर खुद बैठ गई। वहीं बैठ गई, वो 3-4 बच्चे रेंगते रेंगते सब उसके बाद दूध पीने लग गए, उसके बाद वो वहीं सो गई और हम अपना फिल्म करते जा रहे हैं आराम से। उसके बाद उसने 1-2 घंटे बाद सोने के बाद, इस बीच में एक और भी इंसिडेंस हुई कि एक बच्चा और आ गया उसके पिछले लिटर का था जो विच इज़ वेरी अनयूजुअल कि ये नया लिटर है और एक पिछले साल का मतलब इतना बड़ा ढूंझ कुत्ते से भी बड़ा बच्चा वो भी साथ में दूध पी रहा और ये 8 दिन के 10 दिन के बच्चे भी दूध पी रहे इकट्ठे। मैंने कहा ये भी कुदरत का खेल है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। उसके वो उठा के वो एक एक बच्चे को ले गई, आई कुड फिल्म द होल थिंग। तो जानवर भी जो हैं वो भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कहाँ आपने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई होती, थोड़ा सा कुछ उसको लगा होता कि डर जरा सा भी
वो सीधा आपके योग करती तो आपका तो पता ही नहीं लगना था आप गए कहाँ पे। तो मजेदार रहता है ये। तो ये जो मजेदार और रोमांचक, मतलब जैसे समझिए कि जान को हथेली पर लेकर ये एडवेंचर्स जो आपने किए और उससे कला निर्मित की, बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। नरेश जी, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने वाइल्ड लाइफ सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर नरेश बेदी के साथ। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। होने के बावजूद ना कोई जिंदगी, अब शहरा टाप से कोई भी ये बहुत ही सिलसिला। मैं सिगरेट तो नहीं पीता मगर हर आने वाले से बस इतना पूछ लेता हूँ कि माचिस है क्या। आपको सच में लगता है कि ये मेरी आवाज है? मेरी आवाज ये भी हो सकती है और मेरी आवाज ये भी हो सकती है। आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। अगर किसी ने अंग्रेज कहा होता ना, मैं उसको एक थप्पड़ लगाता फौरन और मैं कहता अंग्रेज होगा तेरा बाप। दोस्तों से प्यार किया, गुफ्तगू से बहुत प्यार किया, जो भी किया हमने किया शान से। देखिए गुफ्तगू सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नरेश बेदी। नरेश जी, जिस तरह से समय के बदलने के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है, जिन कैमरों पर आपने बहुत शुरू में फिल्मिंग शुरू की होगी से लेकर अब तक, अगर आप कोई सिग्निफिकेंट बदलावों का जिक्र करना चाहें जिसने इस काम को ख़ासतौर पर बहुत जो अनसर्टन सिचुएशंस में आपको वाइल्ड लाइफ ख़ासतौर पर शूट करना होता है, तो टेक्नोलॉजी ने क्या बदलाव किया है इसमें? अरे टेक्नोलॉजी वाइज तो मैं कहूँगा पूरा रिवॉल्यूशन हो गया। मेरे को याद है जब हम लोग लद्दाख में फिल्म कर रहे थे, आपको फिल्म लेके जानी पड़ती थी, फिल्म की ये श्योरिटी नहीं थी कि जी आप उसकी स्टोरेज ठीक है या नहीं है, फिर फिल्म को जो रोल है आपका 2-2.5 मिनट वाला है या 10 मिनट चलेगा, तो एक आपके दिमाग में हमेशा ये फितूर रहता था कि आप कुछ अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ शूट कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीक्वेंस है, तो आपको हमेशा दिमाग में ये रहता था कि फिल्म तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, फिर मैगजीन चेंज करनी पड़ेगी। फिर सर्दियों में फिल्म जो है ब्रिटल हो जाती थी इतनी कि उसको बहुत हार्ड हो जाती थी, तो मतलब और उसकी लिमिटेशंस बहुत थी एक्सपोजर की। फॉर एग्जांपल मैं ये समझता हूँ कि हम जब टाइगर को शूट करते थे, टाइगर की एक्टिविटी सब अर्ली या लेट इवनिंग्स है, ज़्यादातर जानवरों की एक्टिविटी शाम के समय या सवेरे है, जब लाइट लेवल्स आर कम, उस समय उतनी फास्ट आपकी फिल्में ही नहीं थी, बनी नहीं पा रही थी क्योंकि उसमें ग्रेन्स की प्रॉब्लम आ जाती थी। आजकल की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस ऑल डिजिटल, जो एक्सपोजर की इंडेक्स है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, लिटरली यू कैन शूट इन एनी लाइट। दूसरी बात, सब चीज़ जो है आपकी डिस्क पे रिकॉर्ड हो रही है या ड्राइव्स पे रिकॉर्ड हो रही है, तो जो एक टाइम लिमिट एक फैक्टर था वो भी नहीं है। तो आप शूट करते रहो, एक दफ़ा आपने कार्ड बदलना है या ड्राइव बदलनी है आपने, तो कंटिन्यू फिल्मिंग, तो वह एक जो लिमिटेशंस थी वो ख़त्म हो गई, इक्विपमेंट लाइटर हो गए। एक बात ज़रूर कहूँगा, ये आपको उसमें ऑटो आ गया, ऑटो के बाद आपके पोस्ट प्रोडक्शन में इतनी करेक्शंस आ गई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप पहले कर भी नहीं सकते थे, सब कुछ ऑप्टिकल होता था। ये सब कहते हुए मैं ये कहूँगा कि जो मज़ा या जो एक उसके साथ प्यार था उन कैमरों के साथ, या वो काम करने का तरीका था, या जो सोच थी वो अब नहीं है। पहले आपको सोचना पड़ता था, आपको एक्सपोजर देखना पड़ता था, आपको लाइट सोचते थे कि किस लाइट से क्या एंगल है। आजकल तो आप कैमरा निकालो और आप शूट कर लो,
तो हर कोई जो है आजकल फिल्म मेकर कैमरामैन हो गया है। कैमरा ने तो आपका रिकॉर्ड करना है, कैमरामैन ने जो सोच उसके पीछे जाती है या सोचना जो कंपोजिशन है वो तो कैमरा ने नहीं करना। मेरे ख्याल जो अब जो चैलेंजेस हैं डिफरेंट किस्म के हैं, पहले था एक रिकॉर्ड करना, उसको सुंदर तरीके से पकड़ना, अब क्या है कि आप रिकॉर्ड तो कर लोगे, रिकॉर्ड तो कोई भी कर लेगा, पर उसको किस तरीके से आप पेश करते हैं, किसने अच्छे तरीके से उसको पकड़ पाते हैं अपने कैमरे में, एक वो बड़ा चैलेंज है। ऐसी फिल्म जो आप बना रहे हैं उसमें आप क्या नई चीज ला रहे हैं, क्या नया बिहेवियर आप कैप्चर कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स की बहुत बढ़ गई हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी, विद न्यू उसकी काम करने के तरीके बदलने की वजह से एक्सपेक्टेशन बहुत बदल गई है। पर सबको देखते हुए बेटरमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, सब इजी हो गया, पहले से बहुत जो चैलेंजेज थे वो कम हो गए कुछ। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने मामूली लोगों को भी, जो हो सकता है कि उस डिसिप्लिन में ट्रेंड होकर ना आए हों, एक सर्टन पीरियड उन्होंने उस डिसिप्लिन को सीखने में ना लगाया हो, वो भी आज कैमरामैन हैं, वो भी आज शूट कर सकते हैं। तो ऐसा होने से जब वो टेक्नोलॉजी आपको इक्विप करती है कि आपने बटन दबाया और कुछ भी फ्रेम में आया, तो ऐसे में जो स्किल्ड स्पेशलाइजेशन है वो धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर रहा है। वो रिप्लेस तो नहीं कहूँगा, पर मेकिंग इट मोर कम्पिटिटिव फील्ड, कंपटीशन ज़्यादा है। और जो भी मैं समझता हूँ जो जो क्रिएटिवनेस है ऑफ आदमी की, जिसकी भी आदमी औरत की जिसकी भी जो क्रिएटिवनेस है, वो कोई नहीं उसको बदल सकता। आप एक चीज़ को अपने तरीके से देखेंगे, मैं उसको अपने तरीके से लूँगा, तीसरा आदमी उसको अपने तरीके से लेगा, तीनों ठीक हो सकते हैं पर एक तो अच्छा होगा उन सब में से। तो वो जो है जो अपर लिमिट है वो तो मैं कहूँगा हमेशा रहे ही रहेगी, वो जो 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 काम जिसका अच्छा है या जो अच्छे करने वाले हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग ने भी सोचना, केवल इक्विपमेंट ने नहीं सोचना है। मैं ये सोचता हूँ आपकी ही इस यात्रा को देखते हुए कि आपके सामने ये चॉइस थी कि आप एक, जैसे कि दूरदर्शन में अपने शुरुआती दिनों में आप स्ट्रिंगर के तौर पर काम कर रहे थे, तो आप कहीं पर एक एक सिक्योर सेफ जॉब भी ले सकते थे और उससे भी एक ज़िंदगी गुजर सकती थी, उसके ज़रिए भी आप अपने मन का कुछ काम कर सकते थे, लेकिन वो रास्ता आपने नहीं चुना और कोशिश आपने इसी दिशा में की कि आप खुद अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर भी होंगे, डायरेक्टर भी होंगे, आप अपने आप में एक मुकम्मल संस्थान होंगे। ये जिद आपने क्यों ठानी होगी? जिद नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि कुछ सोच ऐसी रही है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं आप एक उसमें बंध जाते हैं, आपकी जो इंडिपेंडेंस जो है उस पर एक तरीके से एक शिकंजा सा आ जाता है। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा कि वर्किंग फॉर एनी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर, इफ़ दे आर, अगर वो लोग आपको फंड कर रहे हैं, उनकी एक अपनी सोच है, उनकी अपनी चैनल की एक ज़रूरतें हैं, उनकी एक अपनी ऑडियंस है, तो वो आपको वो जो ज़रूरतें आपके ऊपर थोपेंगी या थोपना चाहेंगी कि भाई नहीं, इसको ऐसा नहीं कि इसका नरेशन जो है फलाना करेगा और ऐसा होगा, या इसका स्क्रिप्ट ऐसा लिखा जाएगा, या फलाना म्यूजिक कंपोजर लिया जाए तब ठीक रहेगा। तो ये सब जो एक चीजों से बचने के लिए मैं समझता हूं कि मैंने ये रास्ता चुना, और ये कहूंगा कि ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मैं आगे जो मैं चाहता था या सोचता था या जो करना चाहता था वो करता आ रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। जो एक आपकी पसंद की चीज़ अगर आप वो कर सकते हैं, मैं समझता हूँ इससे
जो एक वो खुशी मिलती है वो एक पेड जॉब में आपको नहीं मिलेगी और वो लिबर्टी नहीं मिलेगी काम करने की आपको, मेरा अपना मतलब ऐसी सोच है। और मैं अगर आप इसको मैं दूसरे तरीके से भी कंपेयर करता हूँ कि आज जो मेरे साथी हैं जो उन्होंने व्हाट दे हैव अचीव्ड या जो उन्होंने इंडस्ट्री में अचीव किया, चाहे काम में चाहे शोहरत में चाहे नाम में चाहे पैसे में, मैं कहता हूँ उनसे कम नहीं किया मैंने भी, मैंने अपनी फील्ड में किया विच वॉज ए वेरी डिफरेंट न्यू फील्ड एंड आई मेड माई मार्क। तो बहुत सेटिस्फैक्शन है जो कुछ डिसीजन लिया वो ठीक लिया उस। इसी का एक दूसरा पहलू ये है कि जिस समाज में आप रह रहे होते हैं उस समाज में उसकी सामाजिक रिश्ते, उसके मूल्य, उसकी राजनीति एक तरफ होती है और आप बार बार उस दुनिया से निकलकर जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों में महीनों जाकर इस काम और फिर वापस आते हैं, और जब जब आप जाकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि ये जो दुनिया इंसानों की है वो थोड़ी और बदल गई और इन 50 वर्षों में तो बहुत बदल गई। तो अगर आप ऐसे देखें कि जिन जंगलों को, जिन जंगली जानवरों को बचाने की जिम्मेदारी संस्थाओं की थी, सरकारों की थी, इंसानों की थी, समाज, मानवीय समाज की थी, उनका नज़रिया जंगलों के प्रति, मतलब बजाय उनको मदद करने के उल्टे उनको नुकसान पहुंचाने, इस वाली जब इस साइकिल पर आप नज़र डालते हैं तो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? मैं ये कहूँगा कि जो हमारी सारी एक कंजर्वेशन वाली जो अप्रोच है, या एक तरफ तो आप देखिए कि हमारी एक इतनी रिच वाइल्ड लाइफ, उसमें बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सी है, फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, गजब का। वन हैज़ टू बी रियली फॉर्चुनेट कि हिंदुस्तान में रह के इस सब चीज़ों को अगर देख सके या उसका एक्सपीरियंस कर सके, मैंने कहा इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो सब हमारी हेरिटेज है ये पीछे खिसकता जा रहा है, इट्स अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर बाय ग्रोइंग पॉपुलेशन, हम लोगों की वजह से, हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी है, वी आर फोर्सिंग दिस वाइल्ड एनिमल्स टू रिट्रीट, उनकी जगह खींचते जा रहे हैं, उनके रास्ते बंद किए जा रहे हैं। एक बेचारा हाथी ने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है या शेर ने जाना है, मूव करना है, ये कैन नॉट गो। आपने रास्तों में उनके गांव बसा दिए, जहाँ से रास्ता रह भी गया वहाँ पे आपने ट्रेंच खोद दी कि यहाँ से पार ना कर सके, जब वो भी नहीं चला तो आपने रेलवे की लाइन्स के गर्डर लगा दिए कि इसको तोड़ के ना जा सके। अब जहाँ पे घुस भी गया वो खाने के लिए, जैसे वेस्ट बंगाल में आजकल इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली विद एलिफेंट्स, सारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, साउथ में, अब हाथियों ने खाना खाना ही है, जंगल में घास नहीं है तो कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए? अगर उनके जंगल में पानी नहीं है तो दूसरी जगह पानी पीने जाएंगे? अगर आप उनको जाने नहीं दोगे तो कन्फ्रंटेशन तो होगी। तो ये जो सिचुएशन है, लॉस है, लॉस को इम्प्लीमेंट करने की बात जहाँ तक है उसमें हमें बहुत, गवर्नमेंट को बहुत सक्रिय होना पड़ेगा, बहुत अपनी पॉलिसीज थोड़ी क्लियर करनी पड़ेंगी जिससे कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं, जहाँ जंगली जानवरों की प्रायोरिटी वहाँ प्रायोरिटी रखनी है, जहाँ पे हमारी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमी की पॉलिसीज़ हैं, चाहे माइनिंग को लेके हैं चाहे दूसरी हैं, वो सबको देखते हुए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। जो अभी जो सिचुएशन है इट्स नॉट ए वेरी हेल्दी सिचुएशन, मैं ये कहूँगा। पहले की तुलना में आज की सिचुएशन क्या ज़्यादा ख़राब हो रही है या क्या है?
कुछ जगह तो बिल्कुल खराब हो रही है। पहले कुछ बेहतर थी, पहले कुछ एक रिस्पेक्ट थी जंगल के बारे में। इवन ट्राइबल्स के लिए भी जंगल कुछ मान्यता रखते थे, कुछ पेड़ थे जिनकी वो पूजा करते थे। शेर को, हमने एक फिल्म करी मैंने जिसमें शेर, एक शेरनी ने एक गांव वाले में कुछ अटैक किया, एक को मार दिया, कुछ किया, फाइनली वो उसको गोली से शूट किया गया। वो सारी फिल्म की मैंने। जब उस टाइग्रेस को लेके गए गांव में, तो जिस लड़की को मारा था वो लड़की भी उससे हाथ छू के आशीर्वाद लेती है, कहने साहब लोग आपने इसको तो मार दिया पर और दूसरे शेर को मत मारना, चाहे भले ही वो हमें खा जाए। तो एक वो एक पुराना रिश्ता जो बना हुआ है, एक रिस्पेक्ट बनी हुई जो नेचर के लिए, वो हम लूज करते जा रहे हैं आज, क्योंकि लाइफ इज बिकमिंग सो टफ। आप इधर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और जो करते हैं उसके लिए वो हाथी आगे खा जाएगा आपका। अगर आप उनको कंपनसेशन ही नहीं दोगे, या शेर आके उसकी जानवर खा जाता है, अगर उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा उसकी गाय का या भैंस का, तो क्या करेगा वो? तो एक रिटेलिएशन, एक सोच बदलती जा रही है, जो कि जो पहले इनकी जो रिस्पेक्ट थी वो कम होती जा रही है, एनक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। ये सारे फैक्टर्स मिलजुल के जो है ना, और मैं कहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ या नेचर के लिए अभी हम लोग इतने जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, और सख्ती से और जोर से इसमें जोर देने की ज़रूरत है। और सोच का यही पहलू क्या इस बात में भी लागू होता है कि जब शुरुआत में आप अपनी फिल्म के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने कि आपको कोई ग्रांट मिल जाए, कोई कहीं से पैसा मिल जाए, ताकि, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है जब आप किसी इस तरह के प्रोजेक्ट को, जिसमें लंबा समय लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे, उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व्ड है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए रिसोर्सेज जैसे आप पहले इकट्ठा किया करते थे या जो रवैया रहता था, अब कैसा है उसमें? मैं कहता हूँ इट्स इक्वली डिफिकल्ट। वैसे फॉर वाइल्ड लाइफ फिल्म्स, खैर मैं इंडिया में तो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं विच यू कैन टैप। कोई ऐसा फंडिंग एजेंसी नहीं है जो कि इस किस्म की फिल्मों के लिए आपको पैसा दे, चाहे आपका सरकारी दूरदर्शन मान लीजिए, दे हैव ए वेरी स्मॉल बजट। अब उस बजट में आप कुछ बना ही नहीं सकते। अगर आप समझे कि आप सीरियस कोई वाइल्ड लाइफ फिल्म बनाएं, तो मैं समझूंगा कि एक मजाक है, क्योंकि कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, ट्रैवल, द होल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है इस समय, टू मेक ए रियल गुड वाइल्ड लाइफ फिल्म यू नीड ए रीजनेबल गुड बजट टू वर्क विद, यू नीड ए रीजनेबल इक्विपमेंट टू वर्क, यू नीड ए रीजनेबल टाइम टू डू दिस। उस सब के लिए जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? सब हमारे जैसे तो नहीं होंगे ना कि अपने पैशन की वजह से आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर फिल्म अच्छी बन गई तो बिक जाएगी, शायद आपको पैसा जो लगाया, आपने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम और एनर्जी, शायद रिकवर हो जाए। आजकल तो वही बात है कि इतना टाइम आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं जाऊँगा, करके आऊँगा, मिल गया, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता जा रहा है, हर चीज़ की कीमत आँकी जाती है। तो जब तक वो चलता रहेगा तो मेरे ख्याल, इसलिए आप देखिए कि हिंदुस्तान में आज की डेट में कितनी वाइल्ड लाइफ फिल्म बनी हैं या कितनी बनती हैं, और कितनी बनती हैं जो कि केवल बाहर वाले आके यहाँ बनाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मेरी तो ये सोच है कि इतना बड़ा देश होते हुए हमारे देश से अगर अच्छी वाइल्ड लाइफ फिल्म ना बने तो दुर्भाग्य है। चाहे वो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, चाहे कोई मिनिस्ट्री करे, या जो कुछ भी करे, पर देर शुड बी गुड फिल्म्स एंड देयर इज अ पोटेंशियल। वो फिल्में केवल अपने हिंदुस्तान में देखने लायक नहीं, आप बाहर उनको बेच सकते हैं, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ देम। पर क्यों नहीं इस तरफ कुछ भी किया जा रहा, ये कुछ एक सोचने वाली बात है। देखिए, आप तो इतनी अनिश्चितताओं और ख़तरों के बीच ज़िंदगी गुजारते हैं,
और फिर वापस लौटकर जब दफ्तरों के बाबुओं से मिलते हैं तो क्या तजुर्बा होता है कि आप ट्राइपॉड पर बैठे हो, शेरनी जितनी आपके साथ मेहरबान हो जाती है उसने भी उससे भी कम ये लोग कि आपकी फिल्म प्रीव्यू में जाएगी, आपको पैसा सैंक्शन होगा नहीं होगा, ये जो पूरा अनसर्टेनिटी होती है किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उसका तजुर्बा आपका क्या है? उसका तजुर्बा तो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आप किसी भी, इन जनरल बात कर रहा हूँ, इट हैज़ नॉट बीन गुड, इट्स नॉट बीन ईजी। पहले शुरू में थे कुछ, वी हैड ए गुड टाइम, द पीपल वर वेरी नाइस, हमारे काम की उनको वैल्यू, आज की फिल्मों की वैल्यू थी। आजकल तो हर कोई ये समझता रहे ये फिल्म बना रहे हैं तो जरूर करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे या करोड़ों का इनका बजट होगा। तो एक वो जो नॉट ए वेरी हेल्पिंग एटीट्यूड आई वुड से, इट्स मोर बिकमिंग मोर एंड मोर कमर्शियल आई वुड से। जहाँ पे जस्ट गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल, जैसे आप बांधवगढ़ या और ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पे आप फिल्मिंग फीस फॉर एग्जांपल 2000 रुपए होती थी, आज 15000 रुपए या 20000 रुपए है। सो हाउ कैन यू इमेजिन टू मेक ए फिल्म विद ऑल दीज एक्सपेंसेस? अगर आप एक दिन के लिए बाहर जाते हैं आप शूट करने के लिए, आई वुड इमेजिन मिनिमम आपका 75 से 1 लाख रुपए रोज का खर्च है। किसी पार्क में आप घुसने जाइए तो अगर आप कितने दिन शूट करेंगे उसका हिसाब लगा लीजिए। और एक अच्छी फिल्म के लिए, एक जिसमें आप पूरा साइकिल कवर करना चाहते हैं, साल कवर करना चाहते हैं, 300 दिन की शूटिंग रखते हैं। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 300-300 दिन की फिल्म का प्रोजेक्ट होता है करीब, तो करोड़ों में बजट जाता। तो हमारे यहाँ कौन ऐसा है जो इतने पैसे लगाएगा और खर्च करेगा? पर ये सब कहने के बावजूद दीज आर ऑल नेगेटिव साइड, देयर शुड बी पॉजिटिव साइड। इतनी बड़ी रिच वाइल्ड लाइफ कंट्री होते हुए, इतनी बड़ी बिग बायोडाइवर्सिटी होते हुए, वी शुड बी मेकिंग गुड फिल्म्स। वो ठीक है, लेकिन बेदी ब्रदर्स के बाद एक एक चेन ऑफ टीम्स या लोग, मतलब आपको आपके सक्सेसर्स भी आपको दिखना चाहिए कि एक ऐसा कल्चर आपने वाइल्ड लाइफ को लेकर एक ऐसी सेंसिटाइजेशन पैदा की जिससे आपके बाद इसका आम को जो अधूरा रह गया है, जितना आपने किया बहुत ही शानदार है, लेकिन इससे हमारा ना तो फ्लोरा फौना ख़त्म हो जा रहा है ना हमारी वाइल्ड लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने वाली एक टीम तब तक नहीं आएगी जब तक इसके लिए कॉन्ड्यूसिव माहौल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब वो माहौल कैसे बने, यही बात है ना। क्या उसके लिए कुछ गवर्नमेंट कुछ कर रही है? क्या कोई इंसेंटिव्स हैं उसके लिए? नन, कुछ नहीं है। वही आपने कहा परमिशन लेने जाइए तो परमिशन नहीं मिलती। दूसरा समझते हैं वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। उस किस्म के आपके पास बजट नहीं है। आए दिन मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं यंगस्टर्स के, जी हम वी वॉन्ट टू फॉलो योर फुटस्टेप, जी हम तो वाइल्ड लाइफ फिल्म बनाना चाहते हैं, बताइए क्या करें। मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे फादर क्या करते हैं? उनके पास है पैसा बहुत है तो चलो वाइल्ड लाइफ कर लो, तुम फोटोग्राफी कर लो। मैंने कहा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिल्मिंग कैन नॉट गारंटी यू ए रेगुलर इनकम, देयर इज नो इनकम एज सच। ठीक है आपने एक फिल्म बना ली, कितने साल, एक एक बना ली, दो बना ली, तीन बना ली, वेयर इज द मार्केट? मार्केट भी तो है ना, फिल्म बना के आप बेचने भी तो जाएंगे। जब अगर आपने फिल्म अपने खर्चे से बना ली तो अगला वाला जो खरीदने वाला है, जो ब्रॉडकास्टर, आर ओनली 2-3 ब्रॉडकास्टर्स हु वुड बी इंटरेस्टेड, एंड दे ऑल नो कि जी यू आर डेस्परेट टू सेल, दे विल गिव यू मिनिमल वैल्यू टू इट। तो आप दोनों तरफ से मार खाते हैं। तो इससे थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है, मुश्किल बस उसका रास्ता निकलना चाहिए, बस यही कहूंगा। क्योंकि इस समटाइम वेरी हार्ड,
heartening की जो there are young boys who are really interested in doing things and they are doing some good work also. उनके stills लेके आते हैं, अपना काम करते हैं. ये ज़रूर है जो हम लोगों ने शुरू में जिन मुश्किलात में काम किया, बहुत लोगों को से interest हुआ इस line में. बहुत लोगों ने still photography शुरू करी. आज भी बहुत लोग इस line में आ रहे हैं. पर film line में क्या है, फाइन इक्विपमेंट सस्ता हो गया, इक्विपमेंट डिजिटल हो गया, ये सब चीज़ें हैं, वो कॉस्ट कम हो गई आपकी, पर उसके लिए आउटलेट भी तो होना चाहिए. चाहे दूरदर्शन हो, चाहे कुछ हो, एक डेडिकेटेड चैनल बनाए जिस पे जी एक स्लॉट रखे, प्राइम टाइम स्लॉट. ये वो नहीं रात को 11 बजे दिखा दे, 12 बजे दिखा दे, जो कोई देखने वाला ना हो. तो जब तक इस किस्म की कुछ एनकरेजमेंट नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल the future of wildlife films in India is bleak. ठीक है, तो आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे बेदी साहब के इस आधी सदी के अपने इस अनुभव से आपने वाइल्ड लाइफ में काम करते हुए क्या सीखा, क्या नतीजा निकाला अपनी ज़िंदगी के इन तजुर्बों का, कोई निचोड़ अगर कहें तो क्या निचोड़ सामने आया? मैं तो देखिए, मैं कभी कभी स्पीति में बैठा हूँ, जैसे जो कैंप किया हुआ है 15-16 हज़ार फीट के ऊपर, उन पहाड़ों को देखिए, उन तारों को देखिए, या उनके फूलों को देखिए, या वहाँ की छोटी वाइल्ड लाइफ को देखिए, बिल्कुल शांति है, हवा की आवाज़ है नीचे, और जो एक खूबसूरती है, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं करोड़ों लोगों में से कितना खुशनसीब हूँ कि इस खूबसूरत नेचर का मज़ा ले सकता हूँ, देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ ऐसे जानवरों के साथ है. स्नो लेपर्ड लोग तरस जाते हैं देखने के लिए, हम भी 20-20 दिन 30-30 दिन गर्मी में सर्दी में पड़े हैं, पर जब आप उसके सामने रूफ़रू होते हैं, देखते हैं उसको, उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसका जो आनंद है, सब भूल जाते हैं. आपने आज कितना माइनस टेम्परेचर है, या आज आप धूप की गर्मी से जल गए, तब नहीं ख्याल आता, तब ये आता है कि अरे ये नेचर की एक खूबसूरत चीज़ जो आप अपने कैमरे में कैप्चर कर पाए हैं या लोगों तक पहुंचा पाए हैं, उससे खुशी क्या बात है? मैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उस खुशी का. बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया. ये थे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर नरेश बेदी. कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर. जल्द ही आपकी मुलाकात कराएंगे बेदी ब्रदर्स के दूसरे बेदी राजेश बेदी के साथ.